बसमैम एवरी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑन द स्कूल ऑफ ऑफ थॉट्स लिंग्विस्टिक्स यानी कि हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में कौन सी मूवमेंट्स और कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस करते हैं दैट आर बेसिकली फाइव और वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिसिज्म स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म जनरेटिविज्म एंड कॉग्निटिविज्म ये पांच हमारे पास ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि हम लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक में यूज़ करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे अपने नंबर वन से जो है स्ट्रक्चरलिज्म अब इसको पढ़ के ही नाम जो जहन में आता है डैट इज़ अ स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर किस लिए यूज़ होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ ये एक स्टडी है स्ट्रक्चर की ठीक है मैं आपको एक मिसाल दूँ एक सोसाइटी की आप सोचें कि आपने एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को पढ़ना है उसको स्टडी करना है तो उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेशक वो एजुकेशन का एलिमेंट है पॉलिटिकल एलिमेंट है कल्चरल एलिमेंट है जिस भी तरह का एलिमेंट है उस उस एव हर एलिमेंट की अपनी क्या जगह है वो क्या रोल प्ले कर रहा है और उसका उस पूरे स्ट्रक्चर के साथ क्या लिंक बनता है ठीक है कैसे ये लोग आपस में रिलेट करते हैं इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म जो हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं ये एक ऐसी थ्योरी ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो जिसमें हम लैंग्वेज में लिटरेचर में सोसाइटी में इन तीन ब्रांचेस के स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या मेजर एलिमेंट्स हैं जो आपस में इंटरलिंग कर रहे हैं और किस तरह वो जाकर अपनी मेजर ब्रांच के साथ मिल रहे हैं यानी कि हम इसमें सिंपल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो फर्ड इंडियन सोशियर ने दिया था और उसका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो 1916 में हुआ था यह हम आगे जाके बात करेंगे कि इसने कहा था कि लैंग्वेज एक स्टैटिक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड यूनिट्स का अब हुआ क्या कि सोश ने अपना फर्स्ट वर्क पब्लिश करवाया मैंने जैसा कि अभी बताया उसने तब अपनी थ्योरी दी इसको कहा गया कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स क्यों कहा गया क्योंकि इसने अपनी सारी स्टडीज को डायक्रोनिक अप्रोच से उठाकर सिंक्रोनिक अप्रोच में शिफ्ट कर दिया था लैंग्वेज में हमारे पास दो अप्रोचेज हैं एक डायक्रोनिक और एक सिंक्रोनिक हमारे पास डायक्रोनिक अप्रोच है उसमें हम हिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं जबकि सिंक्रोनिक अप्रोच में हम हिस्ट्री इंक्लूड नहीं करते अब फर्डीन सोशियो ने क्या किया कि इसने बहुत ज़्यादा डिवाइसेस भी इंट्रोड्यूस करवाई जो कि हमें लिंग्विस्टिक्स में काम आई जैसे कि इसने सेम्योटिक एनालिसिस के लिए सिंटेगमेटिक अप्रोच या सिंटेगमेटिक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया इसने ये कहा कि जो लैंग्वेज है ये एक फिक्स्ड सिस्टम है किस चीज़ का फिक्स सिस्टम है यूनिट्स का आगे जाके हम बात करेंगे कि इसने साइन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी अब

फाइड है सिग्निफायर और सिग्निफाइड इसने कहा कि साइन के ही कॉम्पोनेंट है जो कि लिंक बनाते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान ठीक है क्योंकि साइन एक लिंक फॉर्म करता है इन दोनों कॉन्सेप्ट के दरमियान तो इसने ये कहा कि एक जो लैंग्वेज है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं अगर उसने साइन का एलिमेंट लिया है तो मेंटल प्रोसेसेस ह्यूमन के कल्चरल एलिमेंट्स ट्रेडिशनल एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब साइंस हैं ठीक है वो सिंबलिज्म है वो साइंस है कि वो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है और सिग्निफायर हमें एक्जिस्टेंस बताता है बेशक वो वर्ड्स हैं अब मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक है साउंड है इमेज है वो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं वो सिग्निफायर्स हैं जो कि हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट जनरेट करवाती हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है फंक्शनलिज्म का फंक्शनलिज्म एज वी ऑल नो के नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर हम फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे अब फंक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक लैंग्वेज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करती है जैसे कि एवरीडे लाइफ में लैंग्वेज हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एक डिफरेंट कल्चर में हम किस तरह से लैंग्वेज यूज करें इन स्कूल विच लैंग्वेज वी आर यूजिंग यानी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सर्कमस्टांसिस डिफरेंट सिचुएशन में वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज फंक्शनली डिफरेंट वो डिफरेंट फंक्शनल फंक्शन कर रही है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अब लैंग्वेज के फंक्शन में आती है हमारी कग्निशन अप्रोच ठीक है एक्सप्रेशन हमारे कैसे हैं कॉनोटेशन uh, कैसे यूज़ कर रहे हैं तो लैंग्वेज के फंक्शंस हम हर तरह से फंक्शनलिज्म में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शनलिज्म मोर कि एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हमें तब पता लगता है जब हम लैंग्वेज के फंक्शन को देखते हैं यानी कि यहाँ पर हमें यह पता लगा कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म आर कनेक्टेड सम वर्ड इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर ठीक है नाइनटीन के राउंड अबाउट एक बहुत ज़्यादा फील्ड जो थी वो फंक्शनलिज्म के साथ जोड़ दी गई थी यानी कि साइकोलॉजी को जोड़ा गया एनालिसिस को जोड़ा गया सिंटेक्स को जोड़ा गया डिफरेंट किस्म की ब्रांचेज और सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया ये देखने के लिए कि लैंग्वेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है ठीक है अब हमें फंक्शनलिज्म में दो थ्योरीज का सामना पड़ता है एक फंक्शनल थ्योरी और एक फॉर्मल थ्योरी फंक्शन का सिंपल सा ये मतलब है कि डिफरेंट कॉम्पोनेट्स हैं लैंग्वेज के तो हम उसको तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम उनका फंक्शन देखें कि लैंग्वेज किस तरह से सोसाइटी में या ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है जबकि फॉर्मल थ्योरी में हमें यह पता लगता है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मिलकर लैंग्वेज के एलिमेंट्स को बनाते हैं यानी कि हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज को स्ट्रक्चर को यहां पर भी डिस्कस करते हैं लेकिन एक रूल्स सेट करके प्रिंसिपल सेट करके तो so नेक्स्ट हमारे पास है कि एलिन ने ये कहा कि फंक्शनलिज्म उसने एक डेफिनेशन दी ठीक है कि फंक्शनलिज्म जो है हम लैंग्वेज को इस तरह भी डिस्क्राइब इस तरह भी हम उसके स्ट्रक्चर को अंडरशूट कर सकते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट में अपने मीनिंग्स देती है ये ह्यूमन बींग्स के दरमियान इंटरेक्शन का कम्युनिकेशन का एक जरिया है एक व्हीकल है ठीक है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव जनरेटिविज्म इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसने दिया है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है नॉम चॉम्सकी नॉम चाम्सकी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट इन इंग्लिश हिस्ट्री और uh, जिसको लाइक इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ नॉम चॉम्सकी देन यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिकॉज नोम चॉम्सकी आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स अब नोम चाम्सकी ने बहुत सी थ्योरीज दी ठीक है इसने जनरेटिविज्म की भी थ्योरी दी इसने लैंग्वेज एक्विजीशन की भी थ्योरी दी हे जाकर देखेंगे कि इसने क्या बात की और इसकी इन्हीं चीज़ों की बेस पर इसको फादर ऑफ़ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इसको भी कहा गया था ठीक है अब इसने ये बोला कि लैंग्वेज एक सिस्टम है मान लिया सिस्टम है लेकिन वो लैंग्वेज डिफरेंट रूल्स को फॉलो करती है कैसे रूल्स को ग्रामेटिकल रूल्स को और एट द एंड वो लैंग्वेज को जनरेट करने में हेल्प करती है ठीक है हम आगे जाके इसको और देखते हैं अब जेनेटिविज्म की फर्स्ट जो द, नाम यूज़ किया गया था वो सिंथेटिक स्ट्रक्चर में यूज़ हुआ था ये बुक थी नॉम्सॉम्स की जो कि 1957 में पब्लिश पुब, हुई और इसने फर्स्ट टाइम ये नेम दिया जेनेटिविज्म का अपनी बुक में और इस बुक को ये कहा गया कि अब ये लिंग्विस्टिक की सब फील्ड के तौर पे जेनेटिविज़म की बर्थ है यानी कि नोम चॉम्स्की ने जब जेनेटिविज़म का कॉन्सेप्ट दिया अपनी बुक में तो इसको लिंग्विस्टिक की सब फील्ड कह दिया गया और नोम चॉम्स्की ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स थे हेड ड्राइवन फेस स्ट्रक्चर ग्रामर उसने ये डिस्कस किया लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर कैटेगोरिकल ग्रामर रिलेशनल ग्रामर लिंग ग्रामर और ट्री एड जॉइंट ग्रामर ठीक है ये कुछ पॉइंट्स थे जो उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में इसने की सारी वर्जनस दिए थे अपनी इस बुक में अब नोम चॉन्सकी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सल ग्रामर का इसमें थोड़ा सा एक्विजिशन की भी बात आ जाती है इसने ये कहा कि एक तो मान लिया एक ग्रामर हमारे पास है हर लैंग्वेज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है जो ग्रामर है लेकिन इसने ये कहा कि हर लैंग्वेज की एक बेसिक ग्रामर होती है यानी कि हर किसी को वो हर हाल में याद करनी पड़ती है और वही बंदा उसको अच्छी तरीके से याद कर सकता है जिसकी वो नेटिव लैंग्वेज होती है और उस इस थ्योरी ने ये भी कहा था कि कुछ रूल्स ग्रामर के ऐसे होते हैं जो हार्ड वायर्ड होते हैं ब्रेन में यानी कि वो हमें इन पहले ही पता होता है पहले पता होने से मुरादी है कि हम उसको चाइल्डहुड में एक्वायर करते हैं और फिर हम उसको बगैर सिखाए ही याद करते हैं यानी कि हमें बचपन में पेरेंट्स ने ये तो नहीं बताया था कि ही और शी नाउन है मतलब बिल्कुल एट द एज ऑफ वन और टू या मुझे मम्मा बोलना है मुझे बाबा बोलना है किस तरह से बात करनी ये चीज़ें तो नहीं सिखाई थी तो या फिर लड़की के लिए बात करनी है तो करती हूँ यूज़ करना या लड़के के लिए बात करनी है तो करता हूँ यूज़ करना ये सब चीज़ें बचपन में नहीं सिखाई जाती लेकिन ये चीज़ें एक्वायर करने से आती हैं अब यही चीज़ें नॉम चॉम्सकी ने अपनी इस थ्योरी में डिस्क्राइब की थी कि ह्यूमन किस तरह लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और ये वो ग्रामर रूल्स हैं यूनिवर्सल ग्रामर वो ग्रामर है जो हम पहले से ही एक्वायर करते हैं बगैर किसी इंटेंशन के अनकॉन्शियसली हम वो सारे ग्रामर अपने माइंड में बिठाते हैं और वो हार्ड वाइड होती है हमारे ब्रेन में अब बहुत ज़्यादा फीचर्स थे जनरेटिव ग्रामर के जो कि यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू अराइज़ हुए और बाद में फिर जनरेटिव जन्र, ग्रामर की भी बहुत ज़्यादा थ्यूरीज हमारे सामने आई कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ठीक है ह्यूमन जो ह्यूमन एक इंसान है एक चाइल्डहुड है ये सारी चीज़ें इेट होती हैं इन्वामेंट से ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं होती बल्कि यूनिवर्सल ग्रामर का ये मतलब बताया गया कि बचपन से ही वो चीज़ें हमें पता होती हैं हमें कोई नहीं सिखाता अब नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिव ग्रामर अब लिंग्विस्टिक में ये एक ऐसी ग्रामर है यानी कि सेट ऑफ़ लैंग्वेज रूल्स है जो कि हमें बताता है सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की इंटरप्रटेशन किस तरह जो नेटिव स्पीकर्स हैं अपनी लैंग्वेज के वो किस तरह दूसरों की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं यानी कि कोई न्यू ग्रामर सीखना कोई न्यू लिंग्विस्टिक थ्योरी जिसमें हम किसी दूसरे हाइपोथिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सीखें वो हमारे पास जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी थी सही है सो नेक्स्ट वी है आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एक है जनरेटिव लग्जिकॉन जनरेटिव प्रिंसिपल और जनरेटिव सिमेंटिक्स ये तीनों अप्रोचेस थी जो जनरेटिव ग्रामर के साथ नॉम चोम्सकी ने दी थी कि किस तरह प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमन कैपेसिटी को कि वो डिफरेंट फ्रेजेस डिफरेंट सेंटेंसेस जो हैं वो एक्वायर कर सकें या न्यू वर्ड्स बना सकें किस तरह हम लेक्सिकॉन यानी कि हम किस तरह न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं किस तरह एक लैंग्वेज की कम्पोजिशन कर सकते हैं किस तरह हम किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं सिमेंटिकली उसकी क्या हम जनरेशन कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जनरेटिव ग्रामर में डिस्कस की गई थी सो द नेक्स्ट वी हैव फॉर्मल फॉर्मल ग्रामर ग्रामर हम देखते हैं कि ऐसा का मजमू नहीं है ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिंग नो बल्कि एडजस्टेंट वर्ड्स आपस में मिलते हैं कॉन्स्टिटेंट्स बनाते हैं और फिर वो मजीद के साथ मिलते हैं और न्यूटिट बनाते हैं जो कि एक हिरारकल ट्री स्ट्रक्चर है यानी कि यह सब चीज़ें साथ साथ मिलकर एक ट्री स्ट्रक्चर बनाती हैं ठीक है कि पहले एक वर्ड था उसके साथ एक और मिल गया दो बन गए जिस तरह एक फैमिली ट्री होता है ना उसी तरह ये सेंटेंस ट्री होता है कि वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जैसे ही था ही के साथ आगे वॉज मिल गया फिर वॉज़ के साथ आगे ईटिंग मिल गया तो दिस वॉज एन हिरारकल ट्री स्ट्रक्चर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट कॉन्सेप्ट डैट इज कॉग्नेटिवज्म अब कॉग्नेटिविज्म हम नाम से देखें तो कॉग्नेटिव अप्रोच आइए ठीक है कोग्नेटिव का मतलब मेंटल मेंटल मीनस रिलेटेड टू योर माइंड यानी कि लिंग्विस्टिक सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंसेस का नाम नहीं है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द जनरल कग्निशन एंड थिंकिंग मैथड ऑफ ह्यूमन माइंड यानी कि आपकी ह्यूमन माइंड के जो किस तरह वो मेंटल प्रोसेस होंगे किस तरह माइंड प्रोसेस होंगे किस तरह हमारी परसेप्शन uh, होंगे हमें मीनिंग्स के हम किस तरह कॉन्सेप्ट लेंगे ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिविज्म अप्रोच में डिस्कस करते हैं ये चीज़ें न्यूरो लिंग्विस्टिक या साइको लिंगुस्टिक में भी डिस्कस होती हैं कि किस तरह एक ह्यूमन बींग अपने एक ह्यूमन माइंड अलाउ करता है लिंग्विस्टिक को कि वो मेंटल प्रोसेस रन करे रीजनिंग करे मेमरी बढ़ाए लॉन्ग टर्म मेमरी शॉर्ट टर्म मेमरी वी हैव वर्किंग मेमरी अटेंशन है लर्निंग है वी आर डूइंग हीयरिंग किस तरह हम लिंग्विस्टिक को अपने माइंड में बिठाते हैं लिंग्विस्टिक इज नॉट लाइक लैंग्वेज सीखना आपके माइंड में जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं डेटा आर गोइंग थ्रू लैंग्वेज जब तक आप अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी इस बात नहीं सुन रहे आपका माइंड पीछे से प्रोसेस कर रहा है आपकी बात को तो यही बात है कि लिंग्विस्टिक आल्सो इंक्लूड्स अ कोग्नेटिव अप्रोच डेट हाउ वर्ड्स आर कंसेपचुअलाइज इन द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बींग ठीक है अब रिसर्च की लैंग्वेज को इकट्ठा किया न, आ, सारी नॉलेज को इकट्ठा करके साइकोलॉजी भी और लिंग्विस्टिक को यानी कि इनको आपस में जोड़ा के जैसे कि मैंने बताया कि कॉग्निटिज्म अप्रोच हम साइकोलॉजी में भी यूज़ करते हैं और साइकोलिंग्विस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं और साथ साथ ही हम न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं अब ये हमें इससे हमें यह पता लगता है कि किस तरह लैंग्वेज आपस में इंटरेक्ट करती है मेंटल एबिलिटीज़ के साथ कैसे लैंग्वेज हमारे थॉट्स बनाती है किस तरह हमारी लैंग्वेज की एवोल्यूशन हुई जैसे जैसे हम बड़े हुए जैसे जैसे हमारा माइंड चेंज हुआ तो ये सब चीज़ें थी जो कि कागनेटिविज़म में आती हैं अब ये मिड ट्वेंटियथ सेंचुरी सेंचरी में ये थ्योरी दी गई और वॉज इट पॉसिबल टू लर्न विद नो आउटवर्ड साइंस ऑफ अ चेंज बिहेवियर ये सब क्वेश्चन थे ठीक है द कॉग्निटिविस्ट गोज इनसाइड द लर्नर्स हैट मेंटल प्रोसेस वर एक्टिवेटेड चेंज ड्यूरिंग द लर्निंग यानी कि ये एक टेस्टिंग अप्रोच भी थी कि हम ये देख सकें कि अगर हम एक लर्नर को कुछ सिखा रहे हैं तो किस तरह उसके मेंटल प्रोसेसिस हो रहे हैं किस तरह वो उस बात को अपने माइंड में लेके जाकर प्रोसेस कर रहा है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करती है और नॉलेज को एक सिम्बोलिक मेडिकल का के नाम से लिया गया कि जैसे जैसे आपको एक चीज सिखाई जा रही है वैसे वैसे, वैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो वैसे वैसे, वैसे आप उस लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और अपनी मेमरी का पार्ट बना रहे हो और उस मेमोरी तो को पार्ट बनाने से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है जो कि आपको इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि हाँ लर्नर के हेड में कुछ ना कुछ चल रहा है यानी कि उसका माइंड वर्क कर रहा है तो इसकी जो हम सब फील्ड्स देखते हैं ना वो तीन है एक कोग्नेटिव सिमेंटिक्स एक कोग्नेटिव अप्रोच टू ग्रामर एक कोग्नेटिव फोनोलॉजी कोगनेटिव सिमेंटिक्स में सिंपल सी बात है सिमेंटिक्स का वर्ड मैंने पहले भी बताया हुआ जहाँ भी आया इसका मतलब है रिलेटेड टू मीनिंग यानी कि किस तरह हम मीनिंग्स को अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं किस तरह ग्रामर अप्रोच है हमारे माइंड में कोग्नेटिव फोनलोलॉजी यानी कि किस तरह हम वर्ड की आर्टिकुलेशन करते हैं किस तरह वर्ड प्रोसेस करते हैं किस तरह वर्ड की प्रोडक्शन करते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आती हैं कोग्नेटिव सब फील्ड्स में नेक्स्ट वी हैव द एक्सप्लेनेशन कि कोग्नेटिविज़म को हम सिमेंटिक से रिलेट करते हैं क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे माइंड में मीनिंग बनेंगे वैसे वैसे ही हम उस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे और इससे हमें यह पता लगता है कि कोग्नेटिव साइकोलॉजी की एक तो बहुत सी फाइंडिंग्स पता लगती हैं कि किन प्रोसेसेस के थ्रू हमारी जो स्पोकन uh, है या राइटिंग है वो प्रोड्यूस हो रही है स्टोर हो रही है अंडरस्टैंड हो रही है ठीक है तो ये चीज़ें हैं जो कि हम कोग्नेटिव कोग्नेटिविज्म अप्रोच में डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास दो इसके आती हैं प्रोसेस एक लिसनिंग और एक स्पीकिंग इस बात को मैं एक तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि देर आर फोर स्किल्स वी हैव लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर वेल रीडिंग एंड राइटिंग इंटर रिलेटेड टू इच अदर कॉग्रेटिविज्म में लिसनिंग और स्पीकिंग को रखने का मकसद ये है कि वैन यू लिसन यू एक्वायर यू लर्न जब आप सुनते हैं आपके माइंड में प्रोसेस होता है एंड देन यू आर एबल टू इमिटेट यू आर एबल टू स्पीक यू आर एबल टू अटर द वर्ड आउट ऑफ योर माउथ तो लिसनिंग अगर अच्छी होगी इट मीन्स डैट यूर स्पीकिंग इज गुड अब इसका यह मतलब है कि कॉग्रेटिविज्म में यू आर गोइंग टू स्टडी द लिस्निंग स्किल विद द स्पीकिंग स्किल इसमें दो प्रोसेस इसलिए हम ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि लिसनिंग इज द माइंड प्रोसेस एक्टिविटी कि इसमें हमारे ईयर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यू आर लिसनिंग ऑल ईयर्स यानी कि आप पूरी तरह सुन रहे होते हो आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है फिर आप साथ साथ उन चीज़ों को अपने माइंड में मीनिंग बना रहे होते हैं कंसेपचुलाइज कर रहे होते एट द एंड यू आर एबल टू स्पीक ठीक है तो इसमें एकजिशन की थ्योरी भी आती है So, I think that it's uh, clear so far, and thank you so much. This was all about today's video.